सो हाय गाइस, तो बहुत टाइम से इंतजार करने के बाद फाइनली जाके अपने पिंक डायमंड को पर एक बहुत बढ़िया लीक्स मिला है जो कि मैं आज के इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं। जैसे कि अपना पिंक डायमंड स्टोर अपने गेम के अंदर कब तक बैक आने वाले हैं, उसका कंफर्म डेट क्या है और साथ में इस बार क्या कुछ रिवॉर्ड्स हमको देखने को मिलेंगे पिंक डायमंड स्टोर के अंदर। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और तो और इसके अलावा गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात कर लेंगे अपने एक न्यू ट्रेंड या फिर कहा जाए एक न्यू ब्रांड के बारे में जो कि अपकमिंग टाइम पे गेम के अंदर ऐड किया जाएगा, एक नया सेक्शन जिसके थीम पे गर्ना वालों ने कुछ न्यू आइटम्स का भी डिजाइन किया गया है, तो आज उसका भी रिव्यू कराऊंगा। एंड इस वीडियो के अंदर हम बात कर लेंगे अपने इवोल्यूशन AC80 के बारे में। चलो भाई गाइस, आप लोगों को इवोल्यूशन AC80 के थीम पे बहुत सारे आइटम्स अपने गेम के अंदर देखने को मिलने वाले हैं, सो आज उन सभी का भी रिव्यू करा दूंगा। एंड साथ ही में इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आने वाले अप्रैल मंथ बुया पास के बारे में जो कि कुछ दिन बाद ही अपने गेम के अंदर आ जाएगा, अपने अप्रैल मंथ का बुया पास। जितने भी आपको आइटम्स वगैरह देखने को मिलने वाले हैं अप्रैल मंथ बुया पास के अंदर, उन सब का आज मैं रिव्यू करा देने वाला हूं। गाइस आप लोग बस आज के इस वीडियो को बिना स्किप करके बिल्कुल एंड तक जरूर देख लीजिएगा, ठीक है? तो आओ गाइस अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले हम बात करेंगे अपने एक न्यू ट्रेंड या फिर कहा जाए एक न्यू ब्रांड के बारे में। अपने गेम के अंदर आपको एक नया सेक्शन देखने को मिलने वाले हैं ट्रेंड सेक्शन, और जिसके अंदर को करने वाले कुछ न्यू आइटम्स ऐड करेंगे जो कि बोलने का लायक तो है नहीं, लेकिन फिर भी आपको मैं रिव्यू करा देता हूँ कितने सारे अतरंगी चीजों को बनाया गया है। तो सबसे पहले गाइस आपको ट्रेंड सिस्टम के अंदर कुछ इस तरीके से एक मेल बंडल देखने को मिलने वाले है जिसके सर में है पाइनएप्पल और वो भी चश्मा पहना हुआ पाइनएप्पल, मतलब एकदम एडवांस जमाने का पाइनएप्पल है, समझ रहे हो? एकदम ऐसा अतरंगी का बंडल देखने को मिलने वाले है न्यू ट्रेंड सिस्टम के अंदर। और सर इतना ही नहीं, अगर आप लोग सोचते हो कि यहीं पर अतरंगी खत्म होता है तो भाई गलत सोच रहे हो। तो गाइस बंडल के बाद आप लोग को कुछ इस तरीके से पैंट देखने को मिलने वाले है जो कि केला है, मतलब केला का पैंट यार, कुछ अजीब, मतलब कहां से लाते हैं करने वाले ऐसे मतलब दिमाग को। देन उसके बाद एक बाथरूम के कोमोड के शेप पे आपको देखने को मिलने वाले लूट बॉक्स, उसके बाद बाथटब के शेप में मिलेगा और एक लूट बॉक्स, बाकी इन सब के सरदार जो कि ये बंडल है आप लोग देख ही सकते हो। तो भाई देखो कुल मिला के इतने सारे कुछ खतरनाक से डिजाइन किया गया आइटम्स वगैरह जो कि मतलब बिल्कुल ही अतरंगी चीज है, आप लोगों को अपकमिंग टाइम पे देखने को मिलने वाले है गेम के अंदर, और वो भी इसमें ट्रेंड सिस्टम के अंदर। देखो नॉर्मली अगर ये सारे आइटम्स करने वाले गेम के अंदर अवेलेबल कराते हैं किसी लक रॉयल में या फिर कहा जाए अपने रिंग इवेंट के अंदर या फिर अपने फेडरल ड्यूल इवेंट में, तो भाई उसके अंदर कोई भी इसको लेने के लिए स्पिन नहीं करता, ये हर कोई जानता है। देखो इतना अतरंगी चीज लेने के लिए कौन स्पिन करेगा? आप लोग जरा इस बात को सोचो कि भाई आपके सामने किसी एनिमी का लूट बॉक्स पड़ा हुआ है और लूट बॉक्स नहीं है बल्कि बाथरूम का कोमोड दिख रहा है, तो आप क्या उस लूट पेटी से लूट करने जाओगे फिर? नहीं जाओगे, डिस्प्लेसन में भी है जैसा लूट पेटी है वो पूरा मैप में वैसे ही पड़ा रहेगा, कोई लूटने भी नहीं जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात? खैर जो भी होगा, देखो आइटम्स गेम के अंदर आने वाले है, मेरे पास रिव्यू आ गया था इसलिए मैं रिव्यू करा दिया हूँ। अब देखो निकलना ना निकलना, स्पिन करना ना करना, आपको पर डिपेंड करता है, लेकिन मेरे तरफ से भाई ना ही है, गलती से भी स्पिन मत करना, अगर गोल्ड में आता तो अलग बात था, डायमंड से तो भाई हम बिल्कुल ही नहीं लेंगे। गाइस वीडियो में आगे बात करने से पहले सिर्फ IPL देखो नहीं बल्कि अपने ओपिनियन देकर काफी सारे प्राइस जीत सकते हो, वो भी अपने lotus365.in पे। यहां आपको बहुत सारे क्वेश्चन रहेगा जैसे कि हु विल विन मैच और हु विल विन टॉस, जैसे कि आपको 50+ क्वेश्चन आपको मिलेंगे जहां पर अपना ओपिनियन देके आप प्राइस जीत सकते हो lotus365 पे। आपको रजिस्टर करने पर मिलने वाले है ₹365 का बोनस, यहां आपको मिलते हैं 1-24 आवर कस्टमर सपोर्ट, यहां खेलते हैं 10 मिलियन से ज्यादा यूजर्स, यहां आपको क्रिकेट के अलावा 200+ क्वेश्चन मिलेंगे जहां पर आपको अपना ओपिनियन देना है और आप जीत सकते हैं अच्छे प्राइस। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी रोटेला, सुनील शेट्टी, काजल अग्रवाल, नेहा शर्मा, ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी इनके ब्रांड एम्बेसडर है। तो देरी मत कीजिए, डायरेक्टली रजिस्टर कीजिए lotus365.in पे। बाकी तो आओ गाइस अब बढ़ते वीडियो में आगे, और यहां पर हम बात करेंगे अपने अप्रैल मंथ बुया पास के बारे में कि आप लोगों को अप्रैल मंथ बुया पास के अंदर क्या कुछ आइटम्स देखने को मिलने वाले हैं, सबका आज मैं रिव्यू करा दूंगा। बस कुछ दिन बाद ही गेम के अंदर अप्रैल मंथ का बुया पास आ जाएगा, इसलिए रिव्यू तो करना बनता है। तो गाइस बुया पास के अंदर सबसे पहले आपको इस तरीके से P90 का गन स्किन देखने को मिलने वाले है, डबल रेंज और साथ में सिंगल आर्मर पेनिट्रेशन इसके अंदर एट्रीब्यूट में दिया गया जो कि थोड़ा मोड़ा बढ़िया ही एट्रीब्यूट है कह सकते हो। उसके बाद इस तरीके से आपको एक पैरासूट का स्किन देखने को मिलने वाला है। देन ये होने वाला है अपना फीमेल बंडल जो कि देखने में नॉर्मल सा ठीक ठाक बंडल है, ज्यादा कुछ बढ़िया इसको नहीं बोलूंगा, वैसे कुछ खराब भी नहीं है, थोड़ा मोड़ा ठीक ठाक आपको बंडल देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद दो आपको बैनर देखने को मिलने वाले कुछ इस तरीके से। देन ये होने वाला है अपना लूट बॉक्स, और ये जो लूट बॉक्स है आपको मतलब पानी के थीम पे देखने को मिलेंगे और साथ में मछली के थीम पे, सो भाई देखने में लूट बॉक्स थोड़ा सा बढ़िया ही लगा मुझे। देन ये वाला आपको व्हीकल के स्किन देखने को मिलेंगे, नॉर्मल सा थीम स्किन है, कुछ एनिमेशन इफेक्ट इसके अंदर नहीं है। थोड़ा सा आगे बारे नेक्स्ट रिवॉर्ड्स की बात करें, आपको ये वाला मेल बंडल देखने को मिलने वाले है बुया पास के अंदर। आप लोग तो जानते हो पहले आपको नॉर्मल सा बंडल मिलेंगे, उसको आप लोग को अपग्रेड करना पड़ेगा टोकन से, तब जाके आपको जो बंडल है वो मैक्स लेवल में आएगा। बाकी थोड़ा सा आगे जाने पर आपको और दो अवतार देखने को मिल जाते हैं, पहले बैनर मिला तो आगे जाके आपको अवतार मिलने वाले कुछ इस तरीके से, और ये होने वाला है अपना सर बोर्ड। वैसे इसको इस बार के लिए थोड़ा सा अलग डिजाइन किया गया जिसलिए सर बोर्ड देखने में थोड़ा सा बढ़िया ही लगा है मुझे। बाकी थोड़ा सा और आगे जाने पर आपको इस तरीके से ग्रेनेड का स्किन देखने को मिलने वाले है, और ये जो ग्रेनेड स्किन है इसका एनिमेशन थोड़ा सा छोटा है, मतलब तो कह सकते हो एकदम नॉर्मल सा ग्रेनेड स्किन दिया है, बस इसको पानी में कोई पत्थर फेंकते जैसा वैसा कुछ एनिमेशन इसके अंदर डाला गया है। बाकी गाइस को यहां तक रिवॉर्ड्स आपको मैं दिखाया हूं, ये था 100 लेवल का। इसके बाद अगर थोड़ा सा आगे जाऊं तो भाई 130 लेवल करने पर आपको ये वाला बैट का स्किन देखने को मिलने वाले है। साथ ही में गाइस अगर आप लोग यहां पर 140-150 लेवल तक जा पाते हो तो आपको और भी कुछ रिवॉर्ड्स मिलेंगे, जैसे कि यहां पर 140 लेवल में आपको ये वाला बैकपैक का स्किन देखने को मिलने वाले है, लेवल 1-3 सबका
आपको मैं रिव्यू करा दे रहा हूँ, बैकपैक देखने में कुछ ऐसा रहेगा। उसके बाद गाइस 125 लेवल पर आपको ये वाला कैक्टस बेट का स्किन देखने को मिलने वाले अप्रैल मंथ बुया पास के अंदर। बाकी बिल्कुल लास्ट में आपको क्रिएट मिलेगा हर बार की तरह, इस बार क्रिएट आपको मिलने वाले हैं जिसके अंदर अप्रैल मंथ बुया पास के अलग अलग बंडल का कलर वगैरह है, मैक्स बंडल भी रखा हुआ है और टोकन भी रखा हुआ है, जिनमें से आपको मिलता तो टोकन ही है। जो भी इस क्रिएट के अंदर ऐड किया गया है वो सब बस शो ऑफ के लिए है, लेकिन आपको मिलता हर बार सिर्फ टोकन ही है भाई। बहुत सारे बॉक्स ओपन करने के बाद भी मैं बहुत बार देख लिया हूँ सिर्फ टोकन ही निकलते इसके अंदर से। बाकी टोकन सब लोग बंडल को मैक्स कर सकते हैं, उसके बाद ही बंडल को जो असली लुक है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो भाई ये होने वाला है कंप्लीट रिव्यू अपने अप्रैल मंथ बुया पास के अंदर। जो भी आइटम्स को दिया जाएगा उन सबका मैं रिव्यू यहाँ पर करा दिया हूँ। बाकी आओ गाइस अब बढ़ते वीडियो में आगे, और यहाँ पर हम बात करेंगे अपने इवोल्यूशन AC80 के बारे में, उसके थीम पे डिजाइन किया गया कुछ न्यू आइटम्स के ऊपर। तो गाइस यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपने इवोल्यूशन AC80 के बारे में, जिसका आप लोग यहाँ पर एक नया एनिमेशन वगैरह देख सकते हो जो कि देखने में काफी दमदार लग रहा है। और ये जो AC80 गाइस आप लोगों को इसके अंदर बिच्छू के थीम पे बेसिकली देखने को मिलने वाले अपने इवोल्यूशन AC80, इसलिए इसका जो एनिमेशन है वो भी थोड़ा सा बिच्छू ऐसा डंक मार रहा है, कुछ ऐसा ही डिजाइन किया गया है। हालांकि अभी तक इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट वगैरह हम लोगों को देखने को नहीं मिला है, और लेवल 1-7 के जिसका पूरा रिव्यू आ गया जो कि आपको यहाँ पर मैं कराई दे रहा हूँ। देखने में गन स्किन तो काफी बढ़िया लग रहा है, लेकिन इसके अंदर अभी तक जो हमको एट्रीब्यूट वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं। शायद मुझे ऐसा लगता है कि वह करने वाले इस अपने इवोल्यूशन AC80 को कुछ टाइम बाद गेम के अंदर अवेलेबल कराएंगे। बाकी हम बात करें मैक्स लेवल का इमोट, तो भाई वो इसके अंदर ऑलरेडी ऐड हो गया है, आप लोग यहाँ पर देख ही पा रहे हो। उसका जो मैक्स लेवल का इमोट है वो देखने में काफी दमदार डिजाइन किया गया है। बाकी AC80 के थीम पे आपको इस तरीके से प्रैंक का स्किन देखने को मिल जाएंगे, जिसके अंदर की इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह दिया गया है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। हालांकि ये लेजेंडरी नहीं है, लेकिन आपको इफेक्ट वगैरह देखने को मिल जाएंगे। बाकी बात करें नेक्स्ट रिवॉर्ड्स की, तो आप लोग को इवोल्यूशन AC80 के थीम पे कुछ इस तरीके से ग्लूवॉल का स्किन भी देखने को मिलने वाले है, जिसके सामने आपको एक बिच्छू का थीम पे डिजाइन किया गया है, जिस वजह से ग्लूवॉल का जो स्किन है वो नॉर्मली देखा जाए थोड़ा मोटा करने वाले ने बढ़िया डिजाइन किया है, जो कि आप लोग को शायद टॉप एंड के अंदर देखने को मिलेगा। और ये वाला बैकपैक का स्किन भी आएगा इवोल्यूशन AC80 के टाइम पर, और शायद ये भी अपना टॉप एंड का ही रिवॉर्ड है। आपको तीन आइटम टॉप एंड के अंदर देखने को मिलेंगे, जो कि होने वाला है ग्लूवॉल का स्किन एंड साथ में बैकपैक के स्किन, और गाइस तीसरा होने वाला है अपने एक न्यू लूट बॉक्स, जिस लूट बॉक्स का रिव्यू भी है सबको यहाँ पर मैं करा दे रहा हूँ। बाकी अगर करने वाले हमको तीन आइटम अपना टॉप एंड के अंदर नहीं देते हैं, तो भाई आपको यहाँ पर बैकपैक के स्किन और ग्लूवॉल स्किन आप लोग को टॉप एंड के अंदर देखने को मिल जाएंगे। और जो लूट बॉक्स का आपको मैं रिव्यू कर रहा हूँ इस टाइम पे, ये वाला लूट बॉक्स का स्किन आप लोग को अपने फेडेड हुल इवेंट के अंदर देखने को मिलेंगे इवोल्यूशन AC80 के साथ में। बाकी तो आओ गाइस अब बढ़ते वीडियो में आगे, और यहाँ पर हम बात करेंगे अपने पिंग डायमंड स्टोर रिटर्न के बारे में। बेसिकली गाइस को कुछ टाइम पहले अपने विंटरलैंड इवेंट के टाइम पे अपने यूरोप सर्वर के अंदर पिंग डायमंड स्टोर को बैक किया गया था, और उस टाइम पे हम लोग अपने इंडिया सर्वर के अंदर देखने को नहीं मिला था। लेकिन फिलहाल जगह गाइस अपने यूरोप सर्वर के लिए और एक बार लीक निकल कर आया है कि वहां पर फिर से पिंग डायमंड स्टोर बैक आने वाले हैं। तो गाइस को चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं कि आप लोग को आने वाले टाइम पे अपने गेम के अंदर पिंग डायमंड स्टोर फिर से बैक देखने को मिले। और आप लोग तो जानते हो OB39 अपडेट में करने वालों ने गोल्ड को चेंज नहीं किया है, और FF टोकन स्टोर में भी कुछ न्यू बंडल्स ऐड नहीं हुआ है, जो कि होगा और 9 दिन या फिर शायद 8 दिन बाद। तो आप लोग को हो सकता है उस टाइम पे अपने गेम के अंदर पिंग डायमंड स्टोर भी बैक आ जाए रमजान स्पेशल, जिसके अंदर आपको रमजान के थीम पे रिवॉर्ड्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। सो बेसिकली यही कुछ अपडेट्स अपने पिंग डायमंड को पर। अब गर्ना को डिपेंड करते हैं गर्ना वाले इसको कब तक अपने गेम के अंदर अवेलेबल कराएंगे। इंडिया सर्वर के लिए कुछ रेट अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। फिलहाल आओ गाइस अब बढ़ते वीडियो में आगे, और यहां पर हम बात करेंगे अपने कुछ कमेंट्स के रिप्लाई के बारे में। तो आओ गाइस बात करते फर्स्ट कमेंट के बारे में, सनी भाई नेक्स्ट बुया पास का रिव्यू कराओ एंड हाइपर बुक कब आएगा। तो बेसिकली गाइस को नेक्स्ट जो अप्रैल मंथ का बुया पास है उसका रिव्यू मैं ऑलरेडी आज के इस वीडियो के अंदर करा दिया हूं। एंड यहां पर हम बात कर रहे हैं हाइपर बुक कब आएगा, तो भाई उसके ऊपर मेरे पास अपडेट तो है, लेकिन अभी का टाइम पर हाइपर बुक नहीं आने वाला है, थोड़ा सा टाइम है उसको गेम के अंदर आने के लिए, जिसके ऊपर आपको मैं आगे जाकर अपडेट दे दूंगा। बाकी नेक्स्ट कमेंट देख लेते हैं, जो कि है कि सनी भाई नेक्स्ट वीक में कौन सा डिस्काउंट इवेंट देखने को मिलेंगे और मार्च में मिस्ट्री शॉप कब आएगा। तो गाइस सही बताऊं आप लोग को, इस मंथ पे अपने गेम के अंदर मिस्ट्री शॉप का इवेंट देखने को नहीं मिलने वाले है, लेकिन हां करने वाले चाहेंगे तो कुछ डिस्काउंट इवेंट को अपकमिंग टाइम पे गेम के अंदर दे सकते हैं, जो कि आप लोग को इस मंथ पे या फिर नेक्स्ट मंथ पे देखने को मिलेंगे। और अगर कुछ डिस्काउंट इवेंट नहीं आता तो आप लोग को नेक्स्ट मंथ पे मिस्ट्री शॉप इवेंट देखने को मिल जाएंगे। यही दोनों अपडेट था डिस्काउंट इवेंट और अपने मिस्ट्री शॉप को लेकर। बाकी नेक्स्ट कमेंट देख लेते हैं, सनी भाई इवोल्यूशन जो अपना हाइड आउट है जिसके अंदर इवोगन इवोगन का टोकन वगैरह होता है वो कब आएगा, एंड अपना पोकर एमबी पट्टी कब आएगा। सो गाइस अपना जो पोकर एमबी पट्टी है वो आप लोग को मार्च महीने पे तो अपने गेम के अंदर देखने को नहीं मिलने वाले है। अगर आगे जाकर करने वाले 3-in-1 या फिर 2-in-1 इनक्यूबेटर अपने गेम के अंदर लाते हैं, वहां पर आपको पोकर एमबी पट्टी देखने को मिल सकते हैं। बाकी गाइस हाइड आउट इवेंट की बात करें, तो भाई आप लोग को जो हाइड आउट इवेंट है वो फिलहाल के टाइम पे कुछ कंफर्म लीक्स के साथ में मेरे पास आया नहीं है। अब जिनके आईडी के लिए हाइड आउट इवेंट बना जाता है सिर्फ उन्हीं को देखने को मिलते हैं। तो भाई अगर आगे जाकर आपके आईडी के लिए कुछ हाइड आउट इवेंट करने वाले डिजाइन करेंगे तो भाई आपको भी डेफिनेटली जरूर देखने को मिल जाएंगे। बाकी गाइस मेरा वीडियो आज का यही तक था, अगर आपको बढ़िया लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर देना। मैं मिलता हूं कल शाम को और एक न्यू वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।